गार्ड साहब, आज जो अमानवीय व्यवहार जो नगर पालिका के सफाई कार्य में द्वारा किया गया है, क्या पूरा मामला था? आप तो पूरे गार्ड पर ड्यूटी पे थे, क्या हुआ था पूरा मामला बता जी। सर, हुआ ऐसा कि कुछ सफाई कर्मी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका गया जी, तो वो तो हट गए। फिर उन्होंने जाके वहाँ पे सलाह की, हम समझ भी नहीं पाए जी। तो हम तो ये सोच रहे थे कि गाड़ी वो बैक कर रहे हैं, उन्होंने गाड़ी बैक की, ट्राला खोला और सीधा कचरा डाला और निकल लिए। हम समझ ही नहीं पाए, मतलब जब तक हम अंदर सूचित करते या किसी को बताते वो तो निकल चुके थे। डाले इस कंडीशन में 10 से करीब दर्जन भर सफाई कर्मी थे जी, जी। अचानक आते हैं और वो कचरा डाल के आपके डिपार्टमेंट समझ चले जाते हैं। अगर सपोज करिए कि अगर वो सफाई कर्मी अचानक से आपके बैंक में हमला बोल देते या अंदर चले जाते, तो उस कंडीशन में आप क्या करते? सर, पैरों पर गोली मारनी पड़ती, मजबूरी थी, तो करना पड़ता, क्योंकि करेंसी चेस्ट है ये, यहाँ पे इकट्ठा ऐसा हड़दंग कोई करता है तो फायर करने का। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस तरीके से जो आज नगर पालिका द्वारा किया गया है, इतने भारी तादाद में गंदा कचरा आपके स्टेट बैंक के बिल्कुल गेट के सामने डाल दिया गया, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये नगर पालिका द्वारा बात भी हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी सर, या हमारे अधिकारी को बताते अंदर आके कि ऐसी ऐसी बात है। हाँ। और किसी का आदेश है या कुछ है तो वो आदेश पालन कर रहे कर्मचारी, पर जब वो एक साथ झुंड में आया तब हमें भी नहीं समझ पाए कि ये कौन है। अच्छा, आपने उनको समझाने की कोशिश की थी क्या? हमने पहले क्या कर रहे? एक साथ अंदर घुस रहे थे तो उनको बजाने के लिए बोला तो वो चले गए, उसके बाद उन्होंने गाड़ी बैक की, कचरा डाला और निकल लिए। जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग झुंड भीड़ बना के आपकी बैंक के अंदर ही प्रवेश करना चाहते थे, आपके द्वारा रोका गया, उस कंडीशन में क्या मामला था? प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, सर ने रोका था उस टाइम, सर थे गेट पे, तो सर इसलिए रोका गया उनको कि वो सारे बोले अंदर मिलना है साहब से, तो हमने बोला आप साहब से भी नहीं मिलना, वे बात हो रही है अंदर, बात हो जाए उसके बाद हम आपको मिलने। लेकिन जिस तरीके से गंदा कचरा नगर पालिका द्वारा डाला गया है, कि आप कैसा महसूस कर रहे होंगे, आपका डिपार्ट क्या महसूस कर रहा होगा इस कंडीशन को देखते हुए, बता पाएंगे आप? सर, वो कचरा ऐसे बहुत गंदा कचरा था, बदबूदार कचरा था, और वो जो है बैंक के अंदर उसका धूल उड़े, इसलिए हमने गेट बंद करके ताला डाला। मतलब जब तक वो उनने गंदा कचरा डाला, और कितनी गाड़ियाँ थी, कितनी गाड़ियाँ आई? गाड़ी एक बड़ी गाड़ी थी, एक छोटी, दो गाड़ियाँ आई, दोनों डालना चाहते और उसमें 8-10 लोग थे, और ये उनको बोला गया तो गाड़ी टर्न करके हम लोग समझ पा रहे इतने में तो उन्होंने डाल दिया। अच्छा, जब तक वो गंदा कचरा डाल रहे थे तो अपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई थी क्या, जानकारी दे दी थी क्या आपने? वो डाल रहे थे, डालते रहते, हमने बताया कि सर ये कचरा डाल रहे हैं, और हमने गेट बंद करके, साहब ने बोला अभी कुछ करें, बोले देखते हैं क्या हो रहा है, बोले नहीं, अगर इस कंडीशन में वो भीड़ आपके अंदर भी जा सकती थी, अंदर तो नहीं आएंगे सर, हमने गेट बंद कर दिया, ताला डाल दिया, और हम गेट पे तैनात थे। आप पूरी तरीके से तैयार थे? बिल्कुल तैयार, गेट पे अंदर नहीं जाना। आपकी बहस वगैरह भी हुई होगी, कुछ बात करने की कोशिश की गई? उनको रोका सर, वापस चले गए, मतलब अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको रोका, वापस चले गए वो, फिर उन्होंने गाड़ी घुमाई, कचरा डाला, निकल गए, हम समझ ही नहीं पाए। लेकिन अगर उनका झुंड अंदर जाता तो जाहिर सी बात है कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी, बिल्कुल सर हम तैयार थे, रोकना पड़ता, रोक उनको, हमने रोक दिया था, ताला डाल दिया था, और अंदर लोग लोड रहती है सर ये। तो ऐसे में अगर गड़बड़ करते वो तो मजबूरी थी सर, मजबूरी थी आप, क्योंकि जो आता है वो पहले घाट पे अटैक करता, तो हम भी सतर्क ही रहते, अपने प्राणों की रक्षा सब करते।